हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन टिप्स। मैं हूं कामिनी सैनी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटी। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, अथॉरिटी डिफाइंड, यानी अथॉरिटी का मतलब होता पावर। अभी कैसी पावर होती है, किस तरह की पावर होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पहले मैं सिंपल आपको बता देती हूँ कि अथॉरिटी होती क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पावर टू टेक राइट डिसीजन, यानी कोई भी जो मैनेजर है उसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, या आप कह सकते हैं राइट्स, द पावर और राइट्स टू गिव्स ऑर्डर एंड मेक डिसीजन, यानी किसी को ऑर्डर देना या डिसीजन लेने की जिसमें पावर होती है उसको अथॉरिटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। अथॉरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज डिस्क्रिएशन इन मेकिंग डिसीजन अफेक्टिंग अदर्स। जैसे कि डेफिनेशन को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर या डिसीजन लेने का अधिकार, एक इस तरह का डिसीजन जो कि समझदारी से लिया गया हो और जो दूसरों को अफेक्ट करे, या आप कह सकते हैं कि एक फ्रीडम होती है टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि किसी में पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, क्या डिसीजन सही रहेगा, वो जो एक फ्रीडम होती है वो हमें इसमें मिल जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, दूसरों को के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मैनेजर टू हैव अथॉरिटी इफ दे आर टू गेट टास्क एकम्प्लिश्ड बाई देयर सबऑर्डिनेट। ये क्यों ज़रूरी होती है, क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि जो उसके सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉयज हैं वो एक पर्टिकुलर कोई टास्क होता है उसको कराने के लिए, कि वो हमें किसी, है ना, मैं कोई एम्प्लॉय हूँ कंपनी की, तो जो मेरा मैनेजर होगा या जो मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर होगा वो मुझे कोई एक पर्टिकुलर टास्क दे देगा कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो उसके पास वो पावर है, मैं उसको मना भी नहीं कर सकती, और जो टाइम उसने मुझे दिया है मुझे उस गिवन टाइम में वो काम कंप्लीट करना होगा क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। व्हेन एन एंटरप्राइजेस इज स्मॉल देन डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स। जब जो एंटरप्राइजेस होती है उसका साइज छोटा होता है या उसमें कम लोग होते हैं, तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। एज द एंटरप्राइजेस ग्रोज देयर इज अ नीड टू डेलीगेट अथॉरिटी टू मोर एंड मोर पीपल टू कोप विद द वर्क। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसमें एम्प्लॉयज़ की हायरिंग होती है, तो अकॉर्डिंगली टू जो अथॉरिटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में चली जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। आप देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। Authority is the power to make decisions and see that they are carried out in the right way at the right time, providing necessary guidance as and when required. मतलब अथॉरिटी जो है कि पावर होती है डिसीजन लेने की, ठीक है, और जिनके पास ये पावर होती है वह ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है अगर वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, ठीक है। और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या कह सकते हैं गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी जो हमारे सुपीरियर जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड फीचर है इसमें, अथॉरिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। वही बात है जो कि मैंने ऊपर बताई, ये एक रिलेशनशिप होती है दो लोगों के बीच में, इसमें एक सुपीरियर होता है एक सबॉर्डिनेट यानी एम्प्लॉयज होता है। और थर्ड है इसका, अथॉरिटी इज एक्सरसाइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये एक एक्सरसाइज होती है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो अचीव हो जाता है। जब राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ती है, वो ग्रो करती है, उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, अथॉरिटी डिफाइंड, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।